तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिमला टूर के बारे में। अगर आप शिमला जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। जैसे ही आप लोगों की डिमांड थी शिमला के बारे में तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाकर तैयार कर दी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप शिमला कब जाएं, कैसे जाएं, बस से जाएं या ट्रेन से जाएं, कितना किराया इन चीज़ों में खर्च हो सकता है, टैक्सी का क्या किराया लग सकता है, होटल के चार्जेस वहाँ पर कितने रहते हैं, और जो शिमला के लिए टॉय ट्रेन चलती हैं उनको कैसे बुक किया जा सकता है और कितना किराया उसमें लगता है, बाकी कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं आप शिमला में, और सबसे सस्ती धर्मशाला शिमला में कौन सी है, कौन सा होटल सबसे सस्ता है, सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप साल में कभी भी किसी भी मंथ में शिमला जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। दोस्तों अगर आप शिमला जाना चाहते हैं तो शिमला जाने के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शन है। आप चाहे तो फ्लाइट से जा सकते हैं, फ्लाइट कहाँ तक जाएगी वो भी बताऊंगा, ट्रेन से जा सकते हैं और बसेस से जा सकते हैं। अगर फ्लाइट की बात करें तो फ्लाइट आपको चंडीगढ़ तक मिल जाएगी। अब दिल्ली से अगर आना चाहते हैं तो दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए आपको फ्लाइट मिल जाएगी, उसके बाद चंडीगढ़ से आपको टैक्सी से ही जाना पड़ेगा शिमला के लिए। उसके बाद बात करते हैं बस से। अगर आप बस से शिमला आना चाहते हैं तो दिल्ली को मैं लेकर चलता हूँ बेसिकली, क्योंकि दिल्ली पूरे देश से सभी जगहों से कनेक्टेड रहता है। दिल्ली आईएसबीटी से आपको वॉल्वो बस मिल जाएंगी जिनकी टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। मॉर्निंग में 6:45, फिर 8 बजे, फिर 9:25 पर, फिर 11:55 पर, और उसके बाद है इवनिंग में 8 बजे और रात को 9:36 पर, उसके बाद 10 बजे और 10:30 बजे, उसके बाद लास्ट बस है 12 बजे। ये सारी बस आपको मिलेंगी दिल्ली आईएसबीटी बस स्टैंड से, और जो लास्ट में रात को 11 बजे की समथिंग बस है वो मिलेगी आपको हिमाचल भवन दिल्ली से। इसके बाद कुछ ऑर्डिनरी बस भी चलती हैं उनके बारे में बताऊंगा। देखिए वॉल्वो बस में जो किराया रहेगा वो रहेगा 965 रुपये पर पैसेंजर। ये सभी वॉल्वो बस एसी वॉल्वो बस है और किराया यहाँ पर रहेगा 965 रुपये। इसके अलावा ऑर्डिनरी बस जो चलती हैं उसमें किराया रहेगा 440 रुपये पर पैसेंजर, और जर्नी का जो ड्यूरेशन है वो रहेगा करीब 10 से 12 घंटे में आपको शिमला ये पहुँचा देंगी। ऑर्डिनरी बस की बात करें तो उनकी टाइमिंग रहेगी करीब सुबह 8:50 पे, और एक रहेगी 11 बजे, फिर 12:30 बजे, फिर रहेगी 3:30 बजे, शाम को 4:50 पर भी है, 6 बजे है, उसके बाद है एक बस 6:31 पर, और लास्ट बस है 7:20 पर। ये ऑर्डिनरी बस है, इनमें भी आप चाहे तो ट्रेवल कर सकते हैं। देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं बताऊंगा आपको ट्रेन का। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप शिमला जाना चाहते हैं तो ट्रेन का ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ट्रेन की जर्नी बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग शिमला की रहती है। आपको आना होगा कालका रेलवे स्टेशन। कालका रेलवे स्टेशन देश के बड़े बड़े रेलवे मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप दिल्ली से कालका आ सकते हैं। अगर दिल्ली से या कोलकाता से आप आना चाह रहे हैं तो एक ट्रेन है हावड़ा दिल्ली कालका मेल, जिसकी टाइमिंग दिल्ली में है करीब रात को 8:30 बजे, और ये मॉर्निंग में 4:40 पर आपको कालका रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर देगी। कालका रेलवे स्टेशन के आने के बाद आपके पास 5 अलग अलग ट्रेन मिलती हैं जो टॉय ट्रेन है शिमला में जो चलती हैं। बेसिकली आपने देखी होंगी बहुत इंटरेस्टिंग ये ट्रेन रहती हैं, उनकी जर्नी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। इस टोटल जर्नी में आपको करीब 350 से ज़्यादा टनल मिलेंगी, 5 से ज़्यादा ट्रेन यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए पहली ट्रेन है कालका शिमला एक्सप्रेस जो 6:20 पर चलती है मॉर्निंग में, और 11:35 पर आपको शिमला उतार देगी। इसमें सेकंड सीटिंग की अगर चार्ज की बात करें तो 65 रुपये का कुल टिकट है इसमें। एसी चेयर कार में 130 रुपये का, और फर्स्ट क्लास में 295 रुपये का टिकट बनता है। उसके बाद एक दूसरी ट्रेन है हिमालयन क्वीन जो चलती है 12:10 पर, और वो पहुँचाएगी आपको करीब शाम को 5:30 बजे शिमला। एसी चेयर कार का इसमें टिकट रहता है 260 रुपये, और फर्स्ट क्लास का रहता है 470 रुपये पर पैसेंजर। इसके बाद कुछ स्पेशल ट्रेन भी चलती हैं जो पीक सीजन में ही चलती हैं, जैसे कालका मेल है और एक है कालका शिमला पैसेंजर। तो इनके टाइमिंग की अगर बात करें तो कालका शिमला स्पेशल जो है वो है करीब दोपहर को 1 बजे के आसपास, और कालका शिमला पैसेंजर करीब 3:30 बजे। तो इनके टिकट्स भी लगभग वही रहेंगे, 270 के अराउंड इसमें टिकट रहने वाला है पर पैसेंजर का। और सबसे बेस्ट जो ट्रेन मुझे लगती है वो लगती है इसमें शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस। शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस जो है ये चलती है सुबह 6:45 और करीब 10:30 या 11:45 बजे आपको शिमला ड्रॉप कर देंगी। इसमें चार्जेस रहते हैं फर्स्ट क्लास का 565 रुपये। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे यात्रा करना चाहें। देखिए अगर
ट्रेन में सबसे सस्ती यात्रा करना चाहते हैं तो कालका शिमला एक्सप्रेस जो सुबह को 6:20 पर चलती है कालका से, वहाँ पर आप सेकंड सीटिंग ले सकते हैं। 65 रुपये का टिकट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये सारी टिकट बुकिंग आप IRCTC की वेबसाइट पर कर सकते हैं। प्री बुकिंग कीजिए, प्री बुकिंग से आपको सीट अवेलेबिलिटी में सुविधा रहेगी और आपकी जर्नी काफ़ी अच्छी रहने वाली। तो रेलवे का जो ये मार्ग है करीब कालका से शिमला तक 96 किलोमीटर का है और जो 5 से 6 घंटे इसमें लग जाते हैं क्योंकि ट्रेन की स्पीड काफ़ी स्लो रहती है, बट पूरी ही ये जर्नी काफ़ी एंटरटेनमेंट से भरी होती है और एडवेंचर से भरी रहती है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप शिमला आना चाहते हैं तो आप ट्रेन को ही चूज़ कीजिएगा। इसके बाद आप बात करते हैं, आप जब शिमला आ जाएंगे तो आपको दिक्कत होती है होटल्स की। देखिए प्राइवेट होटल्स की अगर हम बात करें तो चार्जेस रहते हैं वहाँ पर 1500-2000 या उससे कहीं ज़्यादा। अगर आप वो होटल्स बुक करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सस्ती यात्रा चाहते हैं, अगर आप सस्ते में कहीं स्टे करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाती है लक्ष्मी नारायण मंदिर अग्रवाल धर्मशाला। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर चेक इन टाइम रहता है 9:00 और चेकआउट टाइम रहता है दोपहर को 12:00 के समथिंग, बट कुछ चेंजेस में हुए हैं। आप इसलिए चेक इन भी इसमें 9:00 है और चेकआउट भी 9:00 है नेक्स्ट डे। फूड अवेलेबिलिटी यहाँ पर नहीं है, पार्किंग की भी सुविधा नहीं है, बट रूम्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2 बेड का अगर नॉन एसी रूम लेते हैं तो चार्जेस रहते हैं 400 रुपये, 4 बेडेड नॉन एसी रूम लेते हैं तो चार्जेस रहते हैं 800 रुपये, और यहाँ पर अटैच टॉयलेट सभी रूम में आपको मिल जाएगा। हॉट वाटर की बकेट आपको 25 रुपये की अलग से लेनी पड़ेगी, पूरी तरह से सिक्योर है। यहाँ पर CCTV कैमरा लगे हुए हैं और पीने के पानी के लिए आपको फिल्टर की सुविधा भी यहाँ पर मिल जाती है। और बात करते हैं शिमला से दूरी की, तो 7 किलोमीटर फ्रॉम बस स्टैंड शिमला के बस स्टैंड से 7 किलोमीटर दूरी पर है और शिमला रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है। इसके अलावा कुछ अन्य धर्मशालाएं भी हैं जैसे भूतेल धर्मशाला, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर चेक इन टाइम 12:00 और चेकआउट टाइम भी 12:00 ही रहता है। फूड यहाँ पर मिल जाता है, अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको फूड की फैसिलिटी यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा पार्किंग भी यहाँ पर नहीं है। रूम्स की बात करें तो 2 बेड का डिलक्स नॉन एसी रूम 700 रुपये में मिल जाएगा और 3 बेड का डिलक्स नॉन एसी रूम 900 रुपये में आपको मिल जाएगा और 4 बेड का डिलक्स नॉन एसी रूम 1200 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो बात यही सीधी सी आती है कि धर्मशालाएं किसी प्राइवेट होटल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सस्ती रहती हैं। सभी रूम में टीवी मिल जाएगा आपको, अटैच टॉयलेट मिल जाएगा और गीजर भूतेल धर्मशाला में आपको मिल जाएगा, आपको अलग से हॉट वाटर की बकेट नहीं लेनी पड़ेगी। दूरी की बात करें तो बस स्टैंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर भूतेल धर्मशाला उपस्थित है। इसके अलावा बात करते हैं आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। देखिए घूमने जाने के लिए शिमला में बहुत सारी जगह, आप माल रोड पर घूम सकते हैं, काफ़ी अच्छा माल रोड है, शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं आपको वहां पर मिल जाएंगी। रिज ग्राउंड आप जा सकते हैं, रिज ग्राउंड अगर आप घूमना चाहते हैं तो वहां भी आप घूमने जा सकते हैं इवनिंग में। और उसी के पास है क्रिस्ट चर्च जो बहुत पुराना है और अंग्रेजों का बना हुआ ये चर्च, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर हमेशा विजिट करने आते हैं, ट्रैवलिंग करने आते हैं और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको फोटोग्राफर्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप जा सकते हैं हनुमान मंदिर, जाखो हिल आप रोप वे के थ्रू भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शिमला स्टेट म्यूजियम भी आप घूमने जा सकते हैं, शिमला स्टेट म्यूजियम भी शिमला में ही उपस्थित है, यहाँ भी आप घूमने जा सकते हैं। बॉटनिकल गार्डन आप चाहें तो घूमने जा सकते, अगर शिमला से थोड़ा दूर अगर आप जाना चाहें तो 14 किलोमीटर की दूरी पर कुफरी आप घूमने जा सकते हैं, बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, आपको बहुत ज़्यादा इन्जॉय यहाँ पर करने के लिए मिल जाएगा। शिमला से कुफरी अगर आप जाना चाहते हैं तो अगर प्राइवेट टैक्सी की हम बात करें तो 1200-1500 तक ये बात करते हैं, आप चाहें तो उनसे बार्गेनिंग करके 1000 या उससे भी नीचे में ये एग्री हो जाएंगे जाने के लिए। HRTDC की बस भी चलती हैं जो 280-300 के अराउंड किराया लेती हैं और जाना आना दोनों का होता है, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। और इसके अलावा अगर आप कुफरी के अलावा दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो 55 किलोमीटर चैल है, वहाँ भी आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, वो भी एक हिल स्टेशन है और वहाँ भी काफ़ी इन्जॉयमेंट आप कर सकते हैं। शिमला में बहुत सारे इन्जॉयमेंट होते हैं, पैराग्लाइडिंग, बहुत सारे यहाँ पर आप एडवेंचरस एक्टिविटी कर सकते हैं, उनके लिए आपको शिमला माल रोड पर उनका ऑफिस उपस्थित है, वहाँ जाकर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किसी भी तरह की एडवेंचरस एक्टिविटी करने के लिए आप उन्हीं से संपर्क कीजिए और वो आपको सारी एडवेंचरस एक्टिविटी की लिस्ट देंगे, प्राइस लिस्ट भी देंगे, चाहे तो उसे कर सकते हैं। इसके अलावा माल रोड में बहुत सी जगह हैं घूमने के लिए,
उतना सब मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मेरा मोटिव यही था कि आपको शिमला तक पहुंचाना, जितनी ज्यादा हेल्प कर सकूं वो मैं कर सकूं। मैंने ट्रेन का मार्ग आपको बता दिया है और बस का बता दिया है और फ्लाइट का बता दिया है, बट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है ट्रेन, क्योंकि शिमला में जो टॉय ट्रेन चलती है वो जर्नी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि वो 5 से 6 घंटे का रास्ता बहुत ही ज्यादा ऑसम रहता है। इसके अलावा आप चाहे तो शिमला से मनाली भी घूमने जा सकते हैं। शिमला से मनाली करीब 600 रुपए का चार्जेस लगता है बस में, उसके लिए अलग पर्टिकुलर मैंने वीडियो बना दी, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करूंगा, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि दूसरी वीडियो में किस टॉपिक पर, किस सिटी के बारे में बताऊं, किस चीज के बारे में बताऊं, तो आप कमेंट करके मुझसे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।